Everyone, so a lot of you asked me that you are giving mock tests, but let's say the score is not improving and you're making a lot of silly mistakes. So I'll tell you something that I did and how I improved my score from 590 in my first mock test that I had given AIITS, and the last mock test that I gave, I scored 700, I think, yeah, out of 720. So what I consistently did was, and I gave around 100 mock tests. Now if you, before you ask me ki maine 100 mock tests kaise diye, that's because I basically got free mock tests from Akash because I was in the scholar batch and there were already some included mock tests. So either you can try for some free mock test somewhere on Telegram or somewhere, I really don't know kahan se milenge, or you can buy those. ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड एट लीस्ट 50 मॉक टेस्ट दैट यू गिव, बिकॉज इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी कि जिस दिन आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, यू विल नॉट फील एज इफ इट्स समथिंग न्यू. यू शुड फील एज इफ यू बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ये कुछ नया नहीं है. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गई थी, तो मुझे लगा था कि हाँ रोज़ ही है, रोज़ मैं 2 to 5 ही मॉक टेस्ट देती हूँ, क्या नया है, बस लोकेशन नहीं है. इनफैक्ट आई इवन टाइम्ड माई मॉक टेस्ट फ्रॉम 2 to 5 ताकि मेरी ब्रेन को आदत पड़ जाए कि 2 से 5 के बीच में मुझे रोज़ एक पेपर लिखना है. एंड आई रियलाइज कि मेरी एंगजाइटी, माई यू नो द फियर ऑफ राइटिंग एन एग्जाम एक्चुअली लोअर, बिकॉज आई वॉज राइटिंग एन एग्जाम आफ्टर 10 ईयर. सो इट वॉज अ ह्यूज डील फॉर मी. सो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई डिड वॉज, एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट 2-3 मॉक टेस्ट दिए, आई रियलाइज कि देर आर अ टाइप ऑफ मिस्टेक्स दैट आई एम कमिटिंग. एक हो गया मेमोरी मिस्टेक, कि मतलब मुझे कोई फैक्ट याद नहीं है, इनऑर्गेनिक का हो या बायो का हो, दैट इज़ अ मेमोरी मिस्टेक. सो आई मेड अ नोट ऑफ दोज थिंग्स जो मुझे कंसिस्टेंटली याद नहीं रहती थी, चाहे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हो या चैप्टर हो. एक पैटर्न मिलेगा आपको कि अच्छा आप हमेशा ये वाला फैक्ट भूल जाते हो. सो द आइडिया इज़ टू गो बैक एंड रिवाइज दैट फैक्ट. एंड मैं छोटे छोटे चिट्स बना लेती थी और दीवार पे, फ्रिज पे, वॉशरूम में, कहीं पे भी लगा देती थी, तो मुझे चलते फिरते वो चीज़ें याद हो जाती थी. जैसे ही मुझे वो चीज़ याद हो जाती थी, आई यूज़ टू मेक न्यू चिट्स. सो दैट इज़ अ मेमोरी वाला प्रॉब्लम. द सेकेंड इज़, अगर आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने, उसमें भी 2 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, कि आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. दूसरा, आपको क्वेश्चन समझ में आया बट द वे यू अप्रोच्ड वॉज रॉन्ग. अगर आपको ये समझ नहीं आया कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, तो आपको टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है. इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्मूला रटना है, इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा जाके वो चैप्टर पढ़ना है और वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, एंड उसको फिर से मेहनत करनी है. या तो आप कोई वीडियो देख लो ऑनलाइन यूट्यूब पे, या फिर आप किसी फ्रेंड से समझ लो, या फिर कोई टीचर से डाउट पूछ लो. बट द आइडिया इज़ नॉट टू रट्टोफाई. फिजिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच यू कैन क्रैम. ठीक है, फिजिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू गो बैक, रीड NCERT और वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग. मैं तो NCERT पढ़ती थी. अगेन नाउ यू विल आस्क कि NCERT बहुत टफ है. येस इट इज़ टफ फॉर फिजिक्स, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, आई थिंक रीडिंग NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दूसरा हो गया कि अगर आपने वो क्वेश्चन अप्रोच किया, लेकिन आपने वो गलत अप्रोच किया, तो आपको ये समझना है कि आपके दिमाग में वो सही सॉल्यूशन आया क्यों नहीं, वेयर डिड यू गो रॉन्ग. उसके लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए, बट हो सकता है कि उसके लिए आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, एंड मे बी यू नीड टू डू अ क्विक रिविजन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. नाउ देर आर सिली मिस्टेक कैटेगरीज ऑल्सो. कुछ कुछ आपको रियलाइज होगा, जैसे आई रियलाइज कि इनिशियली जब मैं 590, 600, 620, 640 स्कोर कर रही थी, तो मेरी बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी. क्वेश्चन आता है, सब आता है, जल्दी जल्दी में किया मैंने, बिकॉज आई वॉज नर्वस कि टाइम कम है. नाउ सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के 2 तरीके हैं. एक तो इंट्रेंसिकली अगर आप नर्वस हो तो आप सिली मिस्टेक्स करोगे. दूसरा, अगर आपने बेसिकली जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तो भी आप सिली मिस्टेक्स करोगे. तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रीडिंग द सेम क्वेश्चन 2 or 3 times कंपल्सरीली. मतलब मैं हर क्वेश्चन 2 बार पढ़ने लग गई. उससे बहुत बार नॉट लिखा होता है क्वेश्चन में, वो हम भूल जाते हैं. हमें लगता है कि आदमी ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, हम वो फॉल्स पूछ रहे हैं, हम ट्रू मार्क करके आ गए. ठीक है, सो नीट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ हाउ वेल यू एक्चुअली काउंटर योर एंगजाइटी, योर स्ट्रेस एंड प्रेशर. इट इज़ नॉट जस्ट अ नॉलेज टेस्ट. यू टू अंडरस्टैंड इट, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो टेस्ट योर मेंटल यू नो ड्यूरेस हैंडलिंग कैपेसिटी. तो ये एक ट्रिक आप अपना सकते हो. दूसरा, आप बेसिकली आराम आराम से सॉल्व करो. आप 180 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए,
तो आपको माइनस फाइव वैसे हो जाना है, उससे अच्छा आप चार क्वेश्चन कम सॉल्व कर लो, राइट? ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसे कैसे मैं चार क्वेश्चन छोड़ दूँ, बट एक्चुअली इट वर्क्स बेटर इफ़ यू काइंड ऑफ जो भी क्वेश्चन करो सही करो, दैट इज़ द होल आइडिया. ठीक है, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आई वुड से दैट जब भी आप एक टेस्ट दे रहे हो, क्या करते हो ना, दूसरा टेस्ट पे जंप कर दो, पुराने टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा. राइट, हर जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको निकालो, उनको कैटेगराइज करो और उनको देखो कि क्या एग्जैक्टली गलती हुई है. जब तक आप नहीं करोगे ये चीज़ स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, बिकॉज आपको ये ही नहीं पता कि आपकी गलती कहाँ है. इसलिए आप बेसिकली वीकर एरियाज में वीक रह जाओगे, स्ट्रेंथ को आप इम्प्रूव करते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी ब्रेव टू इनफ टू काइंड ऑफ गो बैक, लुक एट योर मिस्टेक्स एंड एनालाइज. चाहे उसमें 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन revising something that you already know and maybe not even understanding where you need help. I hope this video helps. Bye.